और गोविंदा जी, आप पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में हैं। आप ज्योतिष के ज्ञाता हैं और नेचर के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं, सामने सुना है। मैंने आपको जय जगत यात्रा के संदर्भ दिया, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं ज्योतिष हूँ, लेकिन इस संसार का जो परिकल्पना है, संसार को जो बना है, संसार ये किसी का नहीं है, ये नेचर का है, ये प्रकृति का है। प्रकृति ने मानव लोग के उत्थान के लिए ही संसार का परिकल्पना किया है, यहाँ पे मानव लोग की उत्पत्ति किया है। लेकिन हम लोग जो हैं, ये बुद्धि से बहुत बाठा होकर, बहुत चालाक हो गए, हमने ये प्रकृति को डिवाइड किया है। जो जगत माता है, ये जगत माता को डिवाइड किया है। जैसे लोग अपनी माता जी को डिवाइड करने का चेष्टा करते हैं, उसी तरफ से ये पृथ्वी का और ये जगत का डिवाइड किया है। ये बहुत बुरा है, ये मेरे नज़र से ये संसार तो एक ही जैसा लगता है। संसार का जो जो दीवार है, ये दीवार को भिटकाना पड़ता है और संसार को एक बनाना पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा संस्कार है, हमारा धर्म का जो सार है, ये संसार एक भाई और बहन है। ऐसे तरह से लोग को समझना पड़ता है और ऐसे बाटों में, ऐसे जो रास्ता है, रास्ता में चलना पड़ता है। आप लोग ने जो चेष्टा किया है, जो प्रयास किया है, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो अभियान किया है, ये अभियान संसार तक पहुँचे और संसार के लोग के दिमाग में ऐसा पड़ना चाहिए कि संसार एक ही है, ये एक घर है, ये घर में आने जाने का दीवार का बिकाना पड़ता है। और वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा धर्म का संस्कार है, हमारा धर्म का अंदर का निचोड़ है, ये निचोड़ को सबके दिल दिल में बिठाना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद।